मॉर्निंग दिखा था कोर्ट गार्ड, इतना प्यारा नेचर है भाई यहाँ का, फूल लोग देखने में बहुत ज़्यादा टेस्ट कर लिया। मैं ट्राई नहीं करा भाई। तो भाई अभी भाई ड्राइव कर रहा है और और वो सामने देख सकते हो सिद्ध बली हनुमान जी का मंदिर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रात के वक्त, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं कि दिन से ज्यादा रात को सुंदर लगता है। बैक टू माई YouTube चैनल। तो गाइस अभी बज रहे सुबह के 9, अभी मैं फ्रेश वगैरह सब कुछ हो चुका हूँ, बस नहाना बाकी किया जाए। तो स्मार्ट लग रहे हो यहाँ। तो अभी मैं आपको यहाँ की मॉर्निंग दिखाता हूँ, कोट की प्यारी सी, बाहर चलते भाई कितनी भयंकर धूप पड़ रही है, मतलब आके खुल ही नहीं पा रही हुई। ओहो, तो अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर और गाइस ये चेक करो आप कोटद्वार की ब्यूटी, देखो कितना प्यारा नेचर है भाई यहाँ का, बहुत ज़्यादा शांत है यार। जब हम कल रात को बैठे रहे ना भाई, तो बिल्कुल भी हल्ला नहीं, एकदम शांति, कोई भी नहीं भटकता भाई यहाँ रात को। साला ऋषि के चल रहा है, हर दिन चल रहा है, आपको लोग भटकते रहते भूतों की तरह, बट यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शांति, क्योंकि यहाँ ना बाहर के लोग बहुत ज़्यादा कम आते हैं, जो आते तो सीधा मंदिर वगैरह आते हैं उसके बाद चले जाते हैं। तो बहुत अच्छा नेचर यार यहाँ का, मतलब जो पहाड़ वाली वाइब है ना वो थोड़ी थोड़ी है यहाँ पर अभी बची हुई, वरना अपने वहाँ तो भाई ऐसा सीन है कि लोग लोकल वाले कम बाहर वाले ज़्यादा आ चुके हैं, बट यहाँ का बहुत बढ़िया नेचर है भाई। आप आओगे ना विजिट करने के बाद, बहुत बढ़िया जगह है। रात को बैठे हुए थे, इतना शांत, कोई भी नहीं दिख रहा था भाई, बार बंदा फालतू घूमता हुआ, रात को लोग सब अपने घर, 9-10 बजे के बाद तो कोई दिखता नहीं भाई बात। तो बढ़िया लगा यार यहाँ आकर के, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी, और यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं यार। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं भर्ती देने आया था ना भाई, तो लगा लो इतने लोग हल्ला करते थे लड़के, मतलब जो बाहर के आते थे, यहाँ के गाँव वाले कुछ नहीं कर रहे थे भाई, कुछ भी नहीं बताओ, मतलब बहुत सही नेचर है। तो अभी चलते हैं अंदर बैठते हैं यार, क्योंकि यहाँ तो भाई धूप बहुत भयंकर हो रही है। तो गाइस हमारा प्लान था कि हम मॉर्निंग में जाते हैं अभी उठ करके, 3 जगह बताई है भाई ने मेन जो है घूमने की, एक तो सिद्धवली मंदिर हो गया, और उसके बाद एक भैरवनाथ मंदिर, और एक और ताड़केश्वर। सिद्धवली वो तो 1.5-2 किलोमीटर ही सामने पड़ता है, बाकी जो भैरवनाथ है वो पड़ता है यहाँ से 35-40 किलोमीटर, और जो ताड़केश्वर है भाई वो तो पड़ता है यहाँ से 67 किलोमीटर, तो बहुत ज़्यादा दूर है। उसके बाद वहाँ ट्रैक वगैरह भी करने का, तो भाई ऐसी जगह तो हमारे भाई को बहुत पसंद है, तो वहाँ भी विजिट करेंगे, देखते हैं अभी चलते हैं। बट धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो साथ वाले भी और कोई नहीं हो रहे ना, तो हम 2 ही बचे हैं, तो देखते हैं हम दोनों जाते हैं फिर ऐसे ही करेंगे। रोज़ धूप थोड़ा ना कम होती ना तो यार बढ़िया था जाने को, क्योंकि धूप में ना हालत बहुत खराब हो जाती है। तो अभी देखते हैं क्या प्लान करते हैं और जाते हैं कहीं, आपको भी घुमाएंगे। बाकी यहाँ पीछे कर्ण आश्रम भी है, लेंस डाउन हो गया, बाकी एक चेरक होगी जगह पुलिंदा रोड, तो वो यहाँ सब पूरा घूमेंगे, तो आपको भी घुमाएंगे, तो बने रहो ब्लॉग में। बाकी चैनल पर नए हो तो भाई चैनल कर लो सब्सक्राइब, बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि इससे क्या है कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है, तो तब जाकर के मैं और ऐसे ब्लॉग जल्दी जल्दी ला पाऊंगा, मतलब एडिटिंग की शक्ति मिलती है। तो बस आप लोग यार सब्सक्राइब करो फटाफट से और सपोर्ट दिखाओ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कुछ भाइयों के, तो यार बस क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब दिल खुश हो जाता है यार पढ़ करके, इतने प्यारे कमेंट करते हैं कुछ कुछ भाई अपने। तो गाइस फाइनली अभी हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ आ चुका था, अभी नहीं आया, अभी हम लोग खाने बैठे हैं और ये दिखा देता आपको। तो भाई ये आया, पता नहीं क्या बोलते से, क्या बोलते से क्या चीज, हाँ मोहितो और मैक्रोनी। तो अभी देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, मैंने अब तक ट्राई नहीं करा भाई, मैंने पिया ही नहीं आज तक भाई। अबे साले थोड़ा सा पीते हैं उसके बाद बताता हूँ, सबके बवाल चीज़ है, ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो अभी तो हम लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, तो देखते हैं ना, यहाँ बहुत ज्यादा धूप है भाई, हालत ही खराब होगी, हमें लगा मतलब इतनी धूप नहीं होती, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप है भाई, गर्मी तो बहुत ज्यादा यार यहाँ पे है ना, मुझे लग रहा है कम है, बट रात को ठंडा है, क्योंकि रात को पेड़ की हवा ठंडी ठंडी, बट दिन में गर्म है भाई, बहुत सर्दी धूप आ रही है फेस पर। तो भाई अभी बज रहे दिन के 12 और अभी मैं रेडी वगैरह सब कुछ हो चुका हूँ फ्रेश वगैरह होकर के, तो अभी हम लोग बाहर की साइड जा रहे हैं, मतलब अभी घूमने तो नहीं जा रहे, क्योंकि अभी धूप वगैरह हो रही थी, अभी थोड़ा सा छाव हुई है, पता नहीं अचानक से मौसम बदला है यहाँ का। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं बाइक को वॉश वगैरह करवाने, तो अपना जेक जो आप देख सकते हो पार्किंग में लगा हुआ है वो देखो, तो जेक ने चैन वगैरह भी लूप करनी थी, क्योंकि कल मैं आया ना बहुत ज़्यादा डस्ट लग चुका था, तो उसको वॉश वगैरह करवाते हैं, क्योंकि तभी भाई रौला कटेगा अपना बढ़िया करके, देखो फिर से आगे धूप देखा। तो अभी चलते हैं वॉश वगैरह करवाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अभी भाई ड्राइव कर रहा है और मैं बैठा हूँ पीछे, तो काफ़ी मजा आ रहा है, हम भी जितने मतलब जंगल वगैरह यहाँ पर जानवर भी आते रहते हैं भाई, रात को बाघ वगैरह और हाथी वगैरह, मतलब पब्लिक कम ही आते हैं, क्योंकि उन्हें खाना वहीं मिल जाता है, बट जब खाने की कमी होती है वहाँ पर तब वो यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पर वगैरह भी खाए, भाई ने बताया इसकी गली में भी खाए थे, भाई बेटे बच के रहिए, अपना ताला तला लगा कर रात को भाई अंदर आ गया ना, फिर वो आगे लेके जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं देखो वॉश वगैरह करवाने, तो फटाफट चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं
वॉशिंग सेंटर एंड ये भाई लेकर के आए क्योंकि ये भी यहीं पर सर्विस वगैरह करवाते हैं, यहीं पर धुलवाते हैं। वो रहा अपना चेक, वहाँ पर बाइक वॉश हो रही है तो उसको धुलवाते हैं और उसके बाहर निकलेंगे क्योंकि रौला तभी कटेगा भाई, क्योंकि अभी बाइक बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी, व्हील वगैरह से सब गंदे हो रहे थे। मैंने चैनलू करी थी उसके बाद मैं देहरादून से इधर ऋषिकेश में निकल गया था तो उसका व्हील में ना पूरा लुब्रिकेंट लग गया है तो वो ना निकल नहीं रहा था हमसे। तो भैया को मैं बोलता पेट्रोल वगैरह हमारे उसमें तब जाकर जो साफ होगा तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे अभी हमारा जेक जो है वॉश वगैरह सब कुछ हो चुका है तो देखो भाई क्या ही सेक्सी लग रहा है एकदम बूम। तो अब लेकर के चलते हैं, अब अपना रोलअप बढ़िया करके कटेगा क्योंकि भाई अब बहुत ज़्यादा सेक्सी लगने वाली अपनी बाइक गुरुदेव मोटर्स, यहाँ पर आप वॉश वगैरह करवा सकते हो। काफ़ी अच्छी वॉश करी भाई ने बढ़िया करके एकदम, और ओनली 50 रुपीज़ अपने देहरादून में तो भाई 100-150 रुपये ले लेते हैं पूरी चैन वगैरह साफ करने के, बट इन्होंने सिर्फ 50 रुपीज़ में कर दिया। तो गाइज ये देख सकते हो अभी भाई पता नहीं कितनी पतली पतली गलियों से ला रहा है, अभी तो इतनी पतली गली थी कि बस वहाँ से सिंगल ही बाइक निकल सकती है, दो बाइक नहीं निकल सकती। फाइनली अभी हम बाइक को वॉश वगैरह करवा करके आ चुके थे रूम पर और अभी हम दोनों बैठे हैं यहाँ पर, तो अभी हम खाना वगैरह खा रहे हैं क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है, तो 1:30 बज चुके हैं अभी दिन के। अभी यहाँ खाना चेक करो गाइस, तो ये रहा हमारा सैलेड वगैरह, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था मेरे को। बाकी ये रहा अभी भाई, ये बहुत ज़्यादा कैमरा चाहिए भाई, इतना ज़्यादा कैमरा चाहिए, कैमरे आगे कुछ बोलते ना पीछे पीछे इसकी जुबान इतनी चलती है, फिर भी जो बोलता रहेगा और वैसे कैमरे के आगे बोलता नहीं। तो फटाफट से खाना वगैरह खाते हैं, दूसरा ब्लॉग मेरा एडिट हो चुका है तो फिर वो भी डालने वाले हैं आज की इवनिंग में, फटाफट से जाकर के देख लेना। और यार सपोर्ट करो भाई, अच्छे से देखो ब्लॉग को पूरा एंड तक और शेयर भी करो जिससे कि रीच मिले। पता नहीं क्यों रीच डाउन हो चुकी है चैनल की, पता नहीं समझ नहीं आ रहा कुछ क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, खाना खाते और इन्जॉय करते हैं लाइफ को। जब भी हम यहाँ पर रुके थे एंड इस मार्केट का नाम क्या है, बेलाघाट, तो अभी हम बेलाघाट में और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर तगड़ी करके पब्लिक है एंड बहुत तगड़े रिएक्शन मिल रहे थे भाई। अभी हम लोग पीछे से आ रहे थे, क्रैकल साउंड मार रहे भाई, जेक ने इतना भयंकर पटाखे फोड़ रखे ना भाई, पूरी पब्लिक हमें ही देखे जा रही है। ये भाई के जो दो दोस्त हैं आ रहे हैं, मतलब दो ही है ना, दो बंदे, हाँ तो दो बंदे आ रहे हैं फिर उनके साथ चलते हैं। तो लगभग 7 बज चुके हैं अभी, तो देख लो चांदना भी ठीक ठाक ही हो रहा है, मतलब इतना अंधेरा भी नहीं हो रहा है, तो बढ़िया यार काफ़ी। यहाँ का लोग काफ़ी अच्छे हैं, मतलब किसी को किसी से मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा किसी को, भयंकर बाइक पूरे पटाखे छोड़ते वाली भाई, किसी बंदे ने कुछ भी नहीं बोला भाई, मतलब काफ़ी सही लोग यार यहाँ के। हम आ चुके हैं सिद्धबली वाले रूट पे और वो सामने देख सकते हो सिद्धबली हनुमान जी का मंदिर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रात के वक्त क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं कि ये दिन से ज़्यादा रात को सुंदर लगता है। आगे तो नहीं है ना जैकिंग वैकिंग? तो गाइस ये आ चुके हैं हम सिद्धबली हनुमान जी के मंदिर और यहाँ पर आप शूज वगैरह उतार सकते हो और ये यहाँ का लोकल मार्केट। तो चलते हैं यार पूरा ऊपर और मैं आपको दिखा दूँ। तो हम रात को इसलिए आए क्योंकि रात को बताते हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये, तो इसलिए हम रात को आए यहाँ पर। तो मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा यहाँ का पूरा व्यू कि रात को कैसा लगता है, बाकी कल सुबह फिर से आएंगे और प्रसाद वगैरह कल सुबह दोबारा से नहा धो करके कल फिलाएंगे। तो गाइस आज थोड़ी किस्मत खराब है, आज यहाँ पर मंदिर बंद है, तो कल सुबह आएंगे, कल सुबह दिखाएंगे आपको व्यू। तो ये देखो गाइस कितना ज़्यादा खूबसूरत है, तो अभी तो मंदिर का द्वार बंद है बट कोई बात नहीं। तो गाइस ये चक्कर गोरा मंदिर,